Bismillahir Rahmanir Rahim. The great viewers, Assalamu Alaikum. Good morning, good evening, good night. Tamam duniya ko hamara salam. You are watching live with YJ Kamyana. Great viewers, hum aapko hamesha kehte hain ke aman se rahiye, sukoon se rahiye. Aaj hum apna program shuru karne se pehle hamare studio mein ek bahut hi professional beautician hai aur beautician ke sath sath वो खातून जो हैं हमारी ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर भी हैं. मैं उनका बेहद ममनून हूँ वो यहाँ तशरीफ़ लाई हैं. उनको प्रोग्राम में दावत देने से पहले मैं तमाम दुनिया के साथ इस बात का एहतजाज कर रहा हूँ कि आप कहते हैं यू से द मुस्लिम्स आर टेररिस्ट. नो सर, नॉट एट ऑल. वी आर पीस लवर. आवर होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम preached, conveyed the message that Islam is a peaceful religion. So why assault on peaceful preachers? They were offering prayers. Children, the old ladies, senior citizens, pious people just slaughtered. Why? So at the platform of DNN, I strongly condemn, we strongly protest, and the killer is a terrorist, and Australia should not say that he is a mentally ill person. Muslims are titled as terrorists. We are peaceful nation. We all Muslims are peaceful as we are the follower of Muhammad Prophet, peace be upon him. Ladies and gentlemen, so aaj hamare studio mein hum unke liye, chunke wo shaheed hain, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, उनके दर्जात बुलंद हो गए. वो शहीद हैं, लेकिन जिस कुत्ते, जिस मलून और जिनकी माँ पे उसने किया है, वो यकीनन दुनिया में भी जलील होगा, आखिरत में भी जलील होगा, और उसकी तमाम नस्लें जलील होंगी, और जिन्होंने उसको प्लांट किया है वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, वो तूफ़ानों की नज़र हो जाएंगे, तो वो तूफ़ान नू की नज़र हो जाएंगे, उनके ऊपर अजाब आएगा. और इंशाल्लाह वही प्रे के परवरदिगार जिन्होंने ये न्यूज़ीलैंड के मुसलमानों के ऊपर जुल्म ढाया, उनका कत्लेआम किया, उनकी बुचरिंग की, उनको तबाह बर्बाद कर दे परवरदिगार, आमीन. तो ग्रेट व्यूअर्स, आइए हम आपकी मुलाकात करवाते हैं अ वेरी प्रोफेशनल ब्यूटिशन, हमारी कोऑर्डिनेटर मोहतरमा आशी साहब से. आशी, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कैसी हैं आप? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र. आशी, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग दिस प्रीटी प्रोग्राम लाइव विद वाईजे कमयाना फ्रॉम डीएनएन लाहौर पाकिस्तान. जी आशी, थैंक यू सर वेरी मच. आपने मुझे ये अपने शो में मौका दिया, मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ. अच्छा आशी, यू वेलकम. आप तशरीफ लाई. ये बता दें जी कि आपका जो शोबा है लोगों को संवारना, बनाना, निखारना जी, और चूँकि अल्लाह पाक को भी और हमारे दीन में भी सफाई पसंद है जी, परवरदिगार को अल्लाह ताला की ज़ात खुद खूबसूरत है, सरदारों लंबिया बहुत खूबसूरत थे हमारे जी. तो आप सिर्फ ये बता दें कि ये कब शौक़ पैदा हुआ, ये शौक़ कब पैदा हुआ, और ये ना होती तो आप क्या बनती? सर मुझे बचपन से ये शौक़ था पार्लर का. अच्छा जी. जी, पार्लर का या बनने संवरने का और फिर पार्लर बनने का? बनने संवरने का भी और पार्लर का भी. अच्छा. खुरी मैं घर में मेकअप वगैरह अपना करती थी, फिर मैंने पार्लर सीखा. अच्छा. फिर आपने मुझे मौका दिया, आपके प्रोग्राम में आई, और ये प्रोग्राम को इंशाल्लाह ताला चार चांद लगाएंगे, सब लोग इसे बहुत लाइक करेंगे, पसंद करेंगे. थैंक यू. अच्छा, पहले दिन जब आपने पार्लर से पहले घर में किसका मेकअप किया? अपना किया, किसी फ्रेंड का किया, दोस्त का किया, माँ का किया? क्योंकि पहले तो हाथ आपने सीधा घर ही किया होगा. हाँ जी, मैं अपना करती रहती थी, मुझे बहुत शुरू से बचपन से शौक था अपना मेकअप करना, आंटियों को करना, मम्मा को करना, छोटी सिस्टर को करना. अभी भी मुझे बहुत शौक है, लोग कहते रहते हैं आप मेकअप बहुत करती हैं, मैं अपना बहुत मेकअप शौक से करती हूँ. अच्छा, लेकिन ये महंगा शौक है जी. एक गरीब औरत बेचारी है, गरीब लड़की जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकती. एक लिपस्टिक बड़ी महंगी है जी, चूंकि ये शौक ही बहुत महंगा है
जिस तरह परिंदे पालना, जिस तरह बहुत खूबसूरत लिबास पहनना, तो ये तो अब दिन ब दिन इतना महंगा होता जा रहा है। यस सर। तो आपने किस एरिए में खोला है और क्यों वहाँ खोला है, आप लिबर्टी में क्यों नहीं खोला, ये आपकी सोच क्या थी? सर मैं इसीलिए ये मोहल्ले में खोला है, लोग आ सकें, सबका ये शौक पूरा हो सके, इसी वजह से मैंने कहा ये मार्टन एरिया यहाँ से डाला। कब शुरू किया था आपने ये? तकरीबन 5-4 साल हो गए। 5-7 साल हो गए। हाँ जी। पहले कस्टमर कौन थी, तो याद पड़ता है? ये सर एक लेडीज थी, उसकी बेटी की शादी थी। अच्छा। और उसको मैंने कहा इतने इतने पैसे, उनका बेटी मेरे पास इतने पैसे नहीं। अच्छा। है हाँ। तो फिर मैंने कहा चले ठीक है, फिर मैंने लड़की को एक दिन फ्री तैयार किया, फिर उस ओके। वलीमे पे उन्होंने को मैंने तैयार किया, फिर उन्होंने मुझे खुश होके हाँ जी पे किया। हाँ जी। वो आपका पहली उजरत थी, आपका अल्लाह ताला ने पहला रिटर्न था आपको। हाँ जी। अच्छा ये टॉपिक तो चलता रह जाए, पहले ये बताएं जी सर कि कोई खेल भी खेला, खेलने का भी शौक था, गली में सहेलियों के साथ खेला? हाँ जी सर। क्या खेला? वैसे ही बस खेलती रहती थी गलियों में, ज्यादा मुझे शौक है खाना बनाने का, बहुत शौक है घर का। अच्छा कुकिंग? बिल्कुल। क्या शौक से सिर्फ पकाती हो या खाती ही सिर्फ हो? खाती भी हूँ, शौक से बनाती भी हूँ। अपना पसंदीदा खाना? बिरयानी। वेरी गुड। कौन सी बिरयानी, चिकन मटन? कोई चिकन बिरयानी ऑल। हाँ जी। और जब किसी वेडिंग में आप जाती हैं जी, तो आपकी जो शिगिर्द हैं, आपकी स्टूडेंट हैं, आपकी जो ट्रेनी लड़कियां हैं जी, वो आपको तैयार करती हैं या आप खुद होती नहीं हैं? मैं खुद होती हूँ। खुद होती हैं? हाँ जी। ये डिफिकल्ट काम नहीं है? नहीं। ओके। मौसीकी में क्या पसंद है, किसको सुना आपने, और शौक गाने का भी है? नहीं सर। सुनने का शौक है? बिल्कुल। किसको? सैड सॉन्ग। सैड सॉन्ग जी। इसकी वजह क्या है? वैसे मुझे अच्छे लगते हैं। अच्छा ओके। आपसे हमें हम अभी अच्छा गुनगुना भी लेती हैं, को थोड़ा बहुत आता भी है? वैसे मैंने कभी ट्राई नहीं किया। कुछ थोड़ा बहुत, जब आप सीजर चला रही होती हैं, जब आप शैम्पू कर रही होती हैं जी सर, तो साथ थोड़ा बहुत कोई हिलजुल, कोई मौसिक हल्का फुल्का गुनगुनाना होता है? दिल में हो तुम, आंखों में तुम, बोलो तुम्हें कैसे चाहूं। अच्छा ये कहते कहते पता चले लड़की के कान पे कैंची लग गई है? नहीं सर, नहीं ऐसा। आप तो कमाल गुनगुनाती हैं। अच्छा ये सही बताइए, अच्छा ये आशी हमें बताइए जी कि जो आपकी एक स्टूडेंट दो स्टूडेंट, शुरू शुरू में कोई आप को दिक्कत आई, लोगों ने, आपने दुल्हन तैयार की जी, आपने ब्राइड तैयार की, बिल्कुल, और उन्होंने आके आपके साथ क्या रिस्पांस किया, खुश हुई, झगड़ा किया? नहीं बहुत ज्यादा खुश हुई। आपकी वो कहते ना क्या व्यूज आए? बस अच्छा लगा मुझे। नहीं आपको अच्छा तो लगना ही लगना था, कोई आपको पैसे आ रहे थे, उनको अच्छा लगा या नहीं? उनको बहुत अच्छा लगा। और फिर आहिस्ता आहिस्ता मोहल्ले में काफी, फिर पहले मेरा छोटा पार्लर था, फिर आस्ता आस्ता तरक्की होती रही, वैसे ही मैंने बड़ा पार्लर बना। छोटे पार्लर का मतलब वन चेयर? हाँ जी। और फिर अब 3 चेयर। माशाल्लाह। देखिए ग्रेट व्यूअर्स, आप ही मेहनत करें, हलाल की खाएं, रिस्क हलाल कमाएं, और देखें एक छोटे से दरमियाने से घर की लड़की, उसको शौक था, शौक भी है और साथ उसके नोट भी हैं, मेहनत है। आप खुद कमाते हो, आप अपनी फैमिली को फीड कर सकते हैं, बच्चों को फीड कर सकते हैं, अपने घर भर और अच्छा लिबास पहन सकते हैं, ये होता है। तो आशी हमें ये बताइए जी सर कि आप शादी की बात तो बाद में करते हैं, जो कुछ आपकी इनकम होती थी उसको आप क्या करते थे, मतलब खुद ही उड़ा दिया, अच्छे कपड़े पहने? मैं अपनी वालदा को देती थी। अच्छा जी। वेरी नाइस, ग्रेट। कुरान शरीफ पढ़ा? हाँ जी। माशाल्लाह नमाजें चलती हैं? सर 5 तो नहीं पढ़ती है, एक पढ़ लेती हूँ। इंशाल्लाह अल्लाह तौफीक देगा, जाहिर है आप वहाँ बिजी रहती होंगी, टाइम मिलता, लेकिन नहीं, रिजक में बरकत होगी, और इस पे भी हमारी दुआ है कि आप और आपकी जो टीम है वहाँ वो जारी रखे। और ये जो आप कॉस्मेटिक्स का सामान लेती हैं जी, ये इसकी क्वालिटी के ऊपर बहुत सवाल उठते हैं जी, के उसके नुकसानात हैं, जरा इस पे खुल के बताइए कि इसके बारे में हमारी जो
यंग गर्ल्स हैं, दुल्हनें बनने वाली हैं, दुल्हन बनती है नसीबों वालियाँ, और वही ये आती हैं पार्लर पे। गरीब से गरीब घर की भी बेटी चाहती है कि मैं बन सवर के अपने घर जाऊँ। तो ये जो कॉस्मेटिक है, इसके ऊपर ज़रा शेयर कराइए हमारे नाज़रीन को कि किस तरह की आप ये सारा सामान कहाँ से लेते हैं, कैसा होता है, होना चाहिए। आशीष बता रही थी आप कि जो मेकअप है जी, जो कॉस्मेटिक्स का सामान है जी, उस पर आप बताइए कि मेकअप का सामान सर मैं बहुत अच्छा खरीदती हूँ, कभी मेरी ऐसी वैसी कंप्लेन नहीं आई, बहुत अच्छा लेती हूँ, बहुत अच्छे के मेकअप करती हूँ, दुनिया को बहुत मेरा मेकअप वगैरह पसंद आता है, मैंने कभी घटिया चीज़ें नहीं यूज़ की। एक आम जो दरमियाने घर की दुल्हन है जी, उसको तैयार करने में कितना टाइम लगता है? तकरीबन सर 1 घंटा तो लग जाता है। वो कितनी देर पहले आपके पास आ जाती हैं? तकरीबन उन्हों का नाइट का फंक्शन है और तकरीबन मेरे पास 5-6 बजे आ जाती हैं और 2-3 घंटे लग जाते हैं। अच्छा आशी हमें ये बताइए कि क्योंकि अब तो हालात बेहतर हैं अल्हम्दुलिल्लाह, पहले ये था कि खतरा रहता था जेवर शेवर, वो अब क्या सूरत हाल है? जेवर आर्टिफिशियल लेके आती हैं सर? आजकल तो आर्टिफिशियल ही चल रहा है, आर्टिफिशियली लोग लेकर आते लेके आते हैं। हाँ जी। और दूसरा ये है कि आप जिस एरिया में आपका है या जो बड़े पार्लर्स हैं उसमें कोई ऐसा बताइए कि जो जब आपका कस्टमर आपकी दुल्हन बाहर निकले तो वो अपने आप को महफूज समझे, इसका भी कोई बताइए कि क्या हाल होना चाहिए? सरकारी तौर पे पुलिस बेहतर हो और क्या हो, वालदैन सिक्योरिटी होनी चाहिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए। हाँ जी। पुलिस का इंतजाम बेहतर होना चाहिए। हाँ जी। तो और जो उनके साथ आते हैं वालदैन आते हैं वो भी मोहतात हो गए? दरअसल भाई लेने आ गए, वालदा लेने आ गई पिक करने के लिए, आ जाते हैं, कभी लेडीज खेली नहीं गई, ना भी हो तो मैं अपने से वो वहां से ओबर वगैरह करवा देती हूँ, चली जाती हैं। ओके, दैट्स गुड। हाँ जी। आज तक कोई ऐसा खुदा ना खास्ता आपके होते हुए कोई ऐसा हादसा? नहीं सर। खैरियत से गई? हाँ जी, अपने अपने घरों में गई? जी बिल्कुल। जो आप वहाँ पानी इस्तेमाल करती हैं और शैम्पू इस्तेमाल करती हैं जी, जाहिर है उनका सर धोती हैं वहाँ, बिल्कुल तैयार करती होंगी जी, तो पानी भी साफ सुथरा और शैम्पू बेहतर किस्म का देती हैं? हाँ जी, डव शैम्पू यूज करती हूँ मैं। अच्छा, गुड। डव का कंडीशनर यूज करती हूँ। देख रहे डव वालों को चाहिए कि ख्याल रखें इनका। ये बहुत बड़े लफ्ज कह दिए मिस आशी ने, सो डव शुड टेक केयर ऑफ दिस। उसके साथ बाल भी सिल्की होते हैं। अच्छा। और बाल अच्छे भी धुलते हैं, और क्या नाम है उसके, कंडीशनर यूज करती हूँ। और वो पसंद भी करती होंगी? हाँ जी, उसके साथ बाल रफ नहीं होते, रफ भी और सिल्की हो जाते हैं बाल। कभी कोई ऐसी वेडिंग जो दुल्हन बने जा रही वो आई हो जी, और वो आपके साथ आप जब काम कर रही हैं जी, और वो आपसे अनाइड हो जाए कि मिस आप ये क्या करें, आपको ऐसा करना चाहिए, कोई दरमियान में लुकमाबाजी मशहूर करती है? हो जाता है, हो जाता है। हाँ जी। कैसे किसी ने कह दिया ये वाले कलर की लिपस्टिक नहीं लगानी, कोई और कलर की लगा दें। अच्छा। और क्या आई शेड ये लगा दे, ऐसा हो जाता है। बदतमीज तो नहीं करती? नहीं। पे जो करती हैं जी, वो चूमो ऐ की कटा दो बता दो, जब फिक्स हो गया तो फिर देने में तो तंग नहीं करती? कभी कभार हो जाता है। अच्छा। कभी कहते हैं इतने कम कर लें, फिर करना पड़ता है, जाहिर बात है, बार्गेनिंग है। हाँ जी। ओके, अब आगे क्या इरादा है? तीन चेयर्स तो हो गई, अगला क्या प्रोग्राम है? उसी एरिया में रहना है जहाँ से आपको? नहीं सर, आपके प्रोग्राम में आएंगे, ये प्रोग्राम को 4 चांद लगा देंगे। अच्छा बताइए। यस द ग्रेट व्यूअर्स, हम इंशाल्लाह बहुत जल्द आशी के साथ और जबीरिया खान के साथ और हमारी जो दूसरी इनकी कोलीग्स हैं, फेलोज़ हैं, उनके साथ हम अपने स्टूडियो से लाइव इनका ब्यूटिशियन शो करने जा रहे हैं। आपको हम अपना प्रोग्राम देंगे इंशाल्लाह, और यहाँ ये खुद लाइव बच्चियों को सिखाएंगे, ट्रेनिंग्स होंगी, और उनका सारा जो एडमिशन वेडमिशन सारी डिटेल आप हमारे हमें अपना CV मेल कर दें, जो भी सीखना चाहें इनसे, आशीष साहब से, उसके हम आपको शेड्यूल बताएंगे। तो आशी इंशाल्लाह वहाँ भी आपके पास लड़कियाँ सीखने आती हैं? हाँ जी। कोई पे करती हैं या सिर्फ दुआ दे के चली जाती हैं? नहीं, पे करती, करती हैं। हाँ जी। दैट्स गुड। कितनी देर लग जाती है तकरीबन? वो अपने पे डिपेंड करता है। हाथ सीधा करने में, यानी आपके यहाँ एक लड़की आई, दरमियाने से घर की लड़की आई जी, उससे आपने
चार्जेस तय कर लिए बिल्कुल, और देन शेड्यूल तय कर लिया कितने बजे आना है, ये हो गया वो हो गया, वो आपके साथ कितनी देर रहती है और फिर कितने महीने में वो इस काबिल हो जाती है कि अगर वो आपको छोड़ के जाए तो अपनी दाल रोटी कमा ले। तकरीबन एक साल तो लग जाता है, एक साल मिनिमम लगता है जी। उसमें स्टार्ट क्या करवाती हैं आप, आगे एक एक जैसे कि हम यहाँ इंशाल्लाह अच्छे लेवल पे करेंगे जी, कैसे स्टार्ट करवाती हैं, किस मैं किसी को तैयार कर रही हूँ, कटिंग कर रही हूँ, प्लकिंग कर रही हूँ, फेशियल कर रही हूँ, वो मुझे देखती है, फॉलो करती है। पहले सिर्फ वो फॉलो करेगी? हाँ जी, फॉलो अच्छा। करती है, फिर आस्ता आस्ता फिर मुझे फेशियल करवाना सिखा देती हूँ। स्टार्ट क्या कराती हैं आपको? स्टार्ट उसमें फेशियल ही करवाना। सारा दिन ऐसे तो नहीं कि जा चाय बना लिया, जाओ घर की ये काम करो? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। अपनी चाय भाई तो होता होगा ना, अपनी चाय अपना सारा वहाँ आप कोई ना कोई सिलसिला तो करती होंगी, हल्ला गुल्ला गपशप होती होगी। अगर आपके पास कस्टमर नहीं है तो फिर क्या करती हैं? कस्टमर नहीं है बैठे हुए, सॉन्ग सुनती रहती हूँ, सॉन्ग। अच्छा ओके, और आपका आपके पास इतनी गुंजाइश है कि तीन चेयर्स, फिर सिटिंग एरिया भी बनाया हुआ है थोड़ा बहुत बैठने की जगह जी, वो आके बालदन बैठ जाते हैं। हाँ जी। अच्छा चेंज, ड्रेस चेंज, लिबास चेंज करने के, वो भी कोई आपने बनाया हुआ है या उसकी अभी गुंजाइश, वो क्या करती हैं फिर आके? जाहिर है आपने वहाँ पे ट्राई रूम बना हुआ है। ट्राई रूम, वेरी गुड। अच्छा बना हुआ है जी, दैट्स गुड। और इसको बढ़ाने का इरादा एक से दो तीन चार खूब से खूब तर? बिल्कुल सर, हमारे स्टूडियो में तो इंशाल्लाह बहुत जल्द हम करने जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह। तो कितने आप बहन भाई हैं? हम चार बहन भाई हैं। आपका नंबर कौन सा है? मैं सबसे बड़े फर्स्ट नंबर पे हूँ। दो नंबर को भी साथ, नंबर टू वाली को भी साथ लगाया? कोई थोड़ा बहुत सीखती है या कोई नहीं, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है? उससे इंटरेस्ट नहीं है, वैसे मैं कोशिश कर रही हूँ वो भी मेरे साथ जस्ट हो जाए। अच्छा गुड गुड। और वो दूसरा क्लिनिक आपके जो ब्यूटिशियन क्लिनिक है उस पे आती भी नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं बाकी बहनों को? आती है, ले आती हूँ। अच्छा तो वैसे इतनी इंटरेस्ट नहीं वो पड़ती है। अच्छा इंटरेस्ट नहीं है पड़ती है जी। ओके, और बचपन से शौक है सिर्फ। ओके अच्छा माशाल्लाह। कोई ये कभी ख्वाहिश आई कि मैं बाहर जाऊँ, बाहर सीख के आऊँ, बाहर सीख के आऊँ कि वहाँ क्या है, वहाँ कैसे तैयार करती हैं, गोरी को कैसे तैयार करती है, काली को कैसे, उनका सिस्टम क्या है, सेटअप क्या है, कोई शौक है? मुझे अपना पाकिस्तान पसंद है। नहीं पाकिस्तान तो सबको, लेकिन कुरान कहता है कि सीरू फिलर्स, तमाम ज़मीनों की सैर करो, अल्लाह ताला कभी चांस मिला तो जाऊँगी इंशाल्लाह। हाँ चांस मिला तो अल्लाह ताला चांस दे, अब जाके कटिंग जाके आप ये चाइना से सीख के आए। बिल्कुल, क्योंकि इलम तो इलम हासिल करो चाहे चीन जाना पड़े, जो सरदार अलम्बिया ने कहा। बिल्कुल, दैट्स गुड। ज्वेलरी जो है वो जब आप वो तैयार कर लेती हैं सारा कुछ है, तो वो बाकी उनको जो ऑर्नामेंट्स, अंग्रेजी में ऑर्नामेंट कहते हैं जेवर को जी, तो वो आप खुद उनको पहनाती हैं या वो खुद तैयार? बिल्कुल, वो तो हमने खुद, आप जीरो से स्टार्ट करके उनको हीरोइन बना के भेजती हैं? बिल्कुल। अच्छा गुड। अभी इस वक्त किन दिनों में आप काम करती हैं? डेली कितने बजे आपका जो पार्लर कितने बजे खुल जाता है? सुबह 11 बजे से लेकर रात 11 बजे तक, सारा दिन ऑलमोस्ट आना जाना। और जो सबसे ज़्यादा जिसकी फ्लो चलता रहता है कि ये काम चलता रहता है जी, वो क्या है? प्लकिंग है, क्या है? प्लकिंग है, फेशियल है, आजकल शादियों के सीजन है, वो फुल फॉर्म आ रही है, पार्टी मेकअप आ रहे हैं। अच्छा पार्टी मेकअप? हाँ जी। ओके अच्छा, और ये पाँव को जो है मेडिकल, पेडिक्योर ये है, अफोर्ड कर सकती है? ये महंगा करती है, एक लड़की रखी हुई है वो करती है। अच्छा हाँ वो स्पेशलिस्ट है? हाँ जी। अच्छा उसमें कोई खास जो टब वब जो भी है उसमें लिक्विड ऐसा इस्तेमाल करती हैं कि जिससे एलर्जी ना हो जाए, खुदा ना खास्ता? नहीं ऐसा कभी भी नहीं हुआ। अच्छा जी ओके। और तालीम का तो मेरा ख्याल है आप ज़्यादा नहीं पढ़ सकी, कुछ घरेलू हालात ऐसे थे, ऐसी बात है? हाँ जी, मैट्रिक मैंने सिर्फ की है। और वो भी चूंकि आपके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते थे? हाँ जी ऐसे। मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ये दरख्वास्त करूँगा कि जिस तरह के ये बेचारे मासूम लोग, गरीब इलाके के लोग हैं, दरमियाने इलाके के लोग हैं, दरमियाने तबके के लोग हैं, ये इस वजह से आँख खुलते ही मजदूरी पर लग जाते हैं कि इनके वालदैन स्कूल भेजना अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ मैं ये ज़रूर कहूँगा कि सरकारी स्कूलों में तो तालीम फ्री है। तो अब आप मैरिड हैं, शादीशुदा हैं माशाल्लाह? हाँ जी माशाल्लाह मैं शादीशुदा। और आप अपने बच्चों को तो पढ़ा रही हैं? हाँ जी अभी वो छोटे हैं। लेकिन स्कूल में डाला है?
नहीं अभी नहीं। तालीम दीजिए उनको, तालीम बिल्कुल। आप अगर चलें, आपको इतना मौका नहीं मिला जी, तो आप अपनी औलाद को जरूर पढ़ाएं, बिल्कुल ठीक है, ताकि वो एक अच्छे पाकिस्तानी बने, बिल्कुल। उनको हुनर भी सिखाएं, अगर बेटी है बेटा है वो अपना काम करें, लेकिन मैं ये आपको एडवाइस करूंगा कि अपनी बेटी बहन जो भी है उनको इस काबिल जरूर कर दें, आपके हाथ में अल्लाह ताला ने हुनर दिया है, बिल्कुल ठीक है। तो आप यकीनन आपके पास बहुत बड़ा हुनर है, तो आप अपनी औलाद को, बहन भाइयों को, और ये आगे सदका जारिया जारी रखेंगी इंशाल्लाह। कोई ऐसी स्टूडेंट जो आपने तैयार की हो और आज अपने पाँव पे खड़ी हुई, ऐसी है कोई? बहुत हैं, दो तीन बहुत हैं, हाँ जी बोलिए नाम कोई। एक नेहा है यहाँ पे हमारे पास, नेहा ब्यूटी पार्लर बना है, एक आशा, वो आपकी स्टूडेंट थी? हाँ जी, एक मेरे नाम के, उसका आशा ब्यूटी सलोन यहाँ पे खोला। ये तो एक तो इधर है, ये हमारे मैकडोनल्ड के सामने, मैकडोनल्ड के बिल्कुल सामने आशा वही ब्यूटी। है, हाँ जी, वही है, हाँ जी, वो आपकी स्टूडेंट रही है जी। देखिए द ग्रेट व्यूअर्स, मैडम आशी ने पौधे लगाए, परवान चढ़े, वो अपना रिजक कमा रहे हैं। आप ही ख्याल रखा करें, एक दरख्त किसी ने लगाया, मेरे दादा ने आम लगाया वो तो दुनिया से चले गए, मेरे वालद ने लगाया वो दुनिया से चले गए, इनको किसी ने सिखाया होगा वो हयात हैं, अल्लाह उनकी ज़िंदगी करे। एक पौधा लगा, आशी तैयार हुई, आशी ने आगे और अपनी खूबसूरत पौधे प्लांट लगाए जो आज फल दे रहे हैं। आप भी ख्याल रखा करें, आप भी दाएँ बाएँ ख्याल रखें, तालीम हासिल करें, हुनर हासिल करें, किसी का नुकसान मत सोचें, रिस्क हलाल की सोचें, और अल्लाह ताला बरकत देता है। एक छोटा सा वक्फा, आशी के साथ गुफ्तगू जारी रहेगी, हमारे साथ रहिए। द ग्रेट व्यूअर्स, वेलकम बैक। छोटा सा वक्फे की हम माजरत चाहते हैं, लेकिन आपने ब्रेक में एंजॉय किया होगा और सोच रहे होंगे कि देखें इंसान मेहनत करे तो फिर अल्लाह ताला फल लगाता है, और जो डल होते हैं, जो काम नहीं करते, जो चस्सी भंगी नशेई पर रहते हैं, उनकी कोई कदर माशरे में नहीं। आज लड़कियां मेहनत करती हैं, काम करती हैं, वालदैन का सहारा बनती हैं, बच्चों का सहारा बनती हैं, बच्चों को अच्छी तालीम दिलाती हैं। तो हम एक बार फिर आशीष साहब से आपको मिलाते हैं। आशी क्या कहती हैं, क्या पैगाम देती हैं? जी आशी, आप क्या पैगाम देंगी कि जिस तरह आपको किसी ने सिखाया जी, आप क्या करने जा रही हैं और आप क्या पैगाम देंगी कि क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए? मैं चाह रही हूँ मेरे पास आए सब, यहाँ पे शॉप पे क्लास ले मेरे से, मेरे जैसे सब बने आपसे, और आप अपने पार्लर पे भी और हमारे DNN स्टूडियो में भी इंशाल्लाह बहुत जल्द क्लासेस शुरू करने जा रही है हमारे साथ जी, बिल्कुल। और पैगाम तो आप देंगी, और तालीम कोई ऐसी होनी चाहिए कि उसको पढ़ा लिखा होना चाहिए या सिर्फ होना चाहिए, थोड़ी बहुत तालीम होनी चाहिए ताकि उनको पता हो? ये जरूरी तो नहीं सर, हो भी तो अच्छी बात है, ज्यादा बेहतर नहीं, तालीम तो बहुत जरूरी है, हाँ जी बिल्कुल। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता आप नहीं, अगर नहीं, नहीं ज्यादा पढ़ सकी जी, तो चलिए इतना तो हो, ये बिल्कुल आप उनको इतना ना कहें कि नहीं भी हो, नहीं मेरे कहने का मकसद है, नहीं भी अनपढ़ भी है फिर भी इधर आए मैं उनको सिखाऊं सब कुछ और ट्रेनिंग दूं जो अपने पांव में खड़ी होकर अपना काम कर सके। और कोई खास उनमें खूबी होनी चाहिए जो आपके पास आए? शौक होना चाहिए, बिल्कुल शौक हो, और उनके पास मेरे पास आए यंग लड़की है और मैं उनको क्लास दूं और वो खुद बाहर जाके खूबसूरत बन सके। और एक अच्छी पाकिस्तानी शहरी बने, बिल्कुल एक अच्छी माँ बने, बिल्कुल एक अच्छी बेटी बने, बिल्कुल और एक दलेर कौम की 21 करोड़ आवाम की वो शेरनी बने, ये कह रहे? हाँ जी सही है। ग्रेट व्यूअर्स, आशीष साहब थैंक यू वेरी मच, आप तशरीफ लाएं। आपने आज जरा मुख्तसर सा प्रोग्राम हमने किया है, हम इसको एक बड़ा प्रोग्राम करेंगे इंशाल्लाह। द ग्रेट व्यूअर्स, आशी हमारे साथ थी, ब्यूटिशियन है, हमारी कोऑर्डिनेटर है। मैं अपनी DNN की टीम, जिसमें खसूसन जवेरिया खान का बेहद ममनून हूँ, वो उन्होंने आज इतना असिस्ट किया है, सेट उन्होंने लगाया, सेट डिजाइन में मेरी हेल्प की, आशी ने बड़ी मेहनत की, जवेरिया खान ने
कैमरा ऑपरेटिंग में बड़ी दिलचस्पी ली और फ्रेम मेकिंग में बड़ी दिलचस्पी ली। वो खुद भी ब्यूटी पार्लर रन करती हैं, ये दोनों जॉइंट वेंचर के साथ काम करती हैं। इंशाल्लाह और अजीज बहुत वेरी सून हम प्लान कर रहे हैं कि ये लोगों को सिखाएं, बच्चियों को सिखाएं, इवन जो भी सीखना चाहे हमारे हाँ आए, ये उनको सिखाएंगी, आप एडमिशन लेंगी, ये क्लास लेंगी और उसको फिर हम ऑन एयर भी करेंगे, अपने लिंक्स पे डालेंगे, DNN के लिंक्स पे डालेंगे, YouTube पे जाएगा, Twitter पे जाएगा, LinkedIn पे जाएगा और इंशाल्लाह आप अर्न करेंगी, आप अर्निंग सोर्स होंगी, आपकी फैमिली जो है वो खुशहाल होगी, आपके वालदैन खुशहाल होंगे और जो खवातीन या गर्ल्स हमारे यहाँ आएंगी वो अपने पाँव पे खड़ी हो जाएंगी, अपने पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगी, अपने खानदान का नाम रोशन होगा और फिर वो इज्जत और वकार से जानी जाएंगी। जब आप जाने जाएंगे तो आपकी कदर मुआशरा भी करेगा, दाएं बाएं वाले करेंगे, अजीज व अकारब करेंगे। तो लिहाजा हमारी गुजारिश है कि जो गलियों बाजारों में लड़के घूम रहे हैं उन वो सारा दिन आवारगी करते हैं, बहनें कमाती हैं, जो वालदैन काम नहीं करते जिनकी बेटियां कमाती हैं, हमारी उनसे भी गुजारिश है कि ये जो आपका सहारा है, आपका बाजू बनी हुई है, आप काम नहीं करते, ये रात को ड्यूटियां दे रही होती हैं। अभी मेरे मुझे एक यंग लड़की मिलती है जो सुबह सारा दिन यूनिवर्सिटी जाती है, रात को वो बहुत बड़े एक इदारे के साथ मुंसलिक है, सारी रात वहां वो ड्यूटी देती है, काम करती है। दूसरी बहन इंटीरियर डिजाइनर है। ये देखिए बेशुमार मेरे सामने ऐसी लड़कियां हैं जो अपने वालदैन के साथ शाना बशाना चलती हैं। पाकिस्तान का बहुत सारा ख्याल रखिए। जवेरिया बहुत मेहनती है, जवेरिया खान का मैं बेहद मशकूर हूँ। आई एम ग्रेटफुल टू जवेरिया खान जो बहुत असिस्ट कर रही हैं, मेहनत कर रही हैं और हम जो आगे अपना प्रोग्राम बना रहे हैं लाइव विद YJ कैमरा और बाकमा लोग प्रोग्राम में, हमारी ये टीम आपको खुश करेगी, आप हैप्पी हो जाएंगे और आप इंशाल्लाह अजीज खुद भेजेंगे कि आपकी बच्चियां आए, ये उनको सिखाएं और वो अपने पाँव पे खड़े हो जाएं। पाकिस्तान का बहुत सारा ख्याल रखा करें, अपना ख्याल सब रखते हैं, ये मुल्क है तो हम हैं, लिहाजा इस मुल्क की खुशहाली आपकी मेहनत में है, हड हराम की कोई जिंदगी नहीं ली। अजान आ रही है, अगले प्रोग्राम तक अपने मेजबान यकूब जावेद कमैना और DNN की तमाम टीम, जवेरिया खान, आशी मेहरू और मेरे कैमरामैन को इजाजत दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।